दिन भर घर यहाँ है, घर यहाँ रख के ना तो कार की है घर गाड़ियाँ वीडियो ले आप गाड़ियों को पूरे गाड़ी रखने गया यहाँ पे आगे ट्रैफिक वाले दम कर रहे तो एक 10 मिनट का काम था तो रोड पे जाके आए थे गाड़ी रखे गए तो गाड़ी से मार के पूरा हालत कर दिए गाड़ी की मेरी। कौन मारे भाई? जीप लेके आके मारे गए थे कोई, मैं तो नहीं बैठा तो मैं शमशाबाद में रहता तो मेरे को नहीं मालूम है। यहाँ कहीं को लाके रखे गाड़ी? सब के काम से है, हमारे भवनी है ये जी, तो नामपली में यहीं रहता हूँ। 10 मिनट रख दे जाएंगे बोले, वो हिसाब से लेट हो गया हम लोग वहाँ पे जी। आके देखे तो हालत कर दिए गाड़ी की, हम लोग नहीं मालूम है शमशाबाद से हम लोग वहाँ पुलिस वाले बाहर दम कर रहे बोल के लाके रखे होते हैं 10 मिनट के वास्ते, तो हमेशा नहीं रखते नहीं, हम आते नहीं, हम शमशाबाद उधरी रहते हैं, आते नहीं सब। हम मुल साहब बोले अपना एरिया है बोल के बोलने से मुल साहब के भरोसे पर रख दिए बस उतना ही। गए हुए थे ऐसा गरीब, हमारे गरीब बच्चे का, हमारे बच्चे की गाड़ी पूरा कुप्पा करके डाले, ऐसा कैसा बाबा? हमको बोलना था कम से कम हटा देते, हम रोज नहीं रखते कुत्ते, हमारा घर ऊपर लिए हुआ, हमने समसम बाबा का घर लिए हुआ है मन किराए से, हमको नहीं मालूम। हम गाँव को 15 दिन थे नहीं थे हम लोग, अब रात में जाके लाके ऐसा कर दिया, हमारे को क्या करना बोलो, रोज नहीं रखते हम गाड़ी है तो आज लाके रखे हमारे बच्चे की गाड़ी पूरा कुप्पा करके डाले, क्या करना बोलो। कौन करे? तो, कौन करे? अब कौन करे? जाहिद बाबा कौन है बोल देना, उन्होंने जीप से करेगा तब चाहिए। जुलूम है ये, पक्का जुलूम है भाई, ये अपन कमा के खाने वाले है भाई, जुलूम है ये, जुलूम है ये, सरासर जुलूम है ये भाई। गाड़ी साइड में रहे फिर मानना देखो भाई, जुलूम ही चाहिए। ये क्या करना, क्या करना, 15 दिन तक गांव में थे ना भाई, अब रात में रखे हैं, ऐसा करे तो कैसा होगा आपको मालूम नहीं साले। शाबाश भाई, अगर चाहे हमको मालूम रहता था या नहीं रखना गाड़ी बोले तो हम नहीं रखते थे गाड़ी, मालूम नहीं हम कुरान में आए हम लोग कल गांव से रखे रात में गाड़ी, ऐसा कर दिया हादसा हमारा बोलो, हमको नहीं मालूम, हमारे को मालूम रहता था नहीं रखते बोल के तो नहीं रखते थे हम गाड़ी यहाँ पे। मैं किराए के घर में रहता हूँ, वही गाड़ी वही रखना है मेरे को, कहाँ रखता हूँ गाड़ी, किराए के घर के बाजू भी रखता हूँ, ले जाके मार दिए गाड़ी से जीप से। कौन मारे? जायद बाबा मारे। कहीं के लिए मारे भाई? वो गाड़ी रखे बोल के मार दिए लेके आगे। तो उनको कुछ तकलीफ हो रही थी आपको गाड़ी रखे तो ना? कुछ भी तकलीफ नहीं, गाड़ी उनकी जाने जगह है ना होती, गाड़ी में जा रहे आ रहे हो ना, पूरे देख के लाइन से गाड़ियाँ लगे वैसे देख के मार दिए लेके आगे, पूरे गाड़ियों को मारे। मैं गरीब हूँ, सब मिलती किराया सब टाइम पे मिलता करता, गरीब हूँ मैं, कमाने 200 रुपये डेली किराया देता हूँ गाड़ी का, भुत्ता देता हूँ। गाड़ी पूरी डैमेज हो गया, पूरी डैमेज, पूरी 30-40 हज़ार, 30 हज़ार तो लगते हैं उसको, पूरा इंजन इंजन पूरा टूट गया, इंजन इंजन के पूरा लेफ्ट सेट का पूरा गियरबॉक्स पूरा टूट गया, वो सेट की चैन पा भी पूरे टायर दोनों टूट गए, उधर से पार्क भी टूट गया पूरा, वो भी मेरी भी गाड़ी डैमेज हो चुकी भाई। कैसा पूरा टूट गई साहब, मारेगा तेरी बस भाई, लगाना कहाँ, गाड़ी साइड में लगी हुई थी, लोग लगा रहे तो लोगों को मार सकते, 1 से 2 बार वार्निंग दी हम लोग, गाड़ी दबा दिए, फिर उसके बाद लाके रिवर्स मारे भाई, हम भी कमा के खाने वाले हैं भाई, शो कम से कम शो भी फुट गया, रेगुलेटर भी फुट गया अंदर का। उसी गाड़ी आप टाटा है से मार के पूरा शो वो सब चिंदा का, इन लोगों की तरफ से हमारे ऊपर जुलूम हो रहा, 1 से 2 बार बोले यहाँ थी गाड़ी, यहाँ से वहाँ हटा के लगा लिया हमें गाड़ी, पूरा शो वो टूट के चिंदा हो गया। पहले बोले बोल रहे ना वो लोग आपको हटाओ बोल के, यहाँ से हटा लिया भाई, कोने में लगा रहे गाड़ी जी, कोने में लगा गाड़ी में, देख सकते हैं आप वहाँ पे, देखिए कहाँ रहते आप? बाजू सामने का एक मकान है हमारा, घर के पास ही लगाया, घर के सामने चप्पो दे, घर के सामने लगाए तो ही मार दिया, घर के सामने भाई बाजू टर्निंग पे, टर्निंग पे लगा कार के बाजू लगाया मैं गाड़ी, वही दबा था और वक्त गाड़ी में। कितने साल से रहते आप? हम 45-50 के ऊपर रहते। ये जो ऑटोओं को डैमेज किया गया है साहब, जो गुस्से में आके करे हरकत, इससे पहले भी जो है सो वार्निंग दिए थे हटा लो, मतलब कोई यहाँ पर रास्ते में दरगाह के जो है सो जायरीन आते जाते उन लोगों को तकलीफ हो जा रही,
और साहिब के घर वाले भी जाते आते, बिल्कुल साहिब के रास्ते में जो सो गाड़ियाँ रख दे रहे आने जाने के, मीटिंगों में जाना रहता, कुछ भी काम रहता, हटाओ बोले तो हटा रहे नहीं, आखिरी में गुस्से में आके उन्होंने हरकत करे, इसमें कोई प्लानिंग या कोई जो सो शरंगेजी काम नहीं है, बोले तो सुन रहे नहीं थे, इसलिए ये काम करे। तो ये बस्ती के गाड़ियाँ नहीं थे भैया, महल्ले की गाड़ियाँ हैं भाई, महल्ले वालों को भी बोले इससे पहले, हालांकि ये पूरा पार्किंग लगा दिए, बैरिगेट्स लगा दिए यहाँ पर, मत रखो बोल के, अब वो बाहर वालों की जद में हमारे किराएदारों के भी गाड़ियाँ आ गए उसमें कुछ, जो बच्चे यहाँ रहने वाले, अब साहेब को ये नहीं मालूम कि गाड़ी हमारे किराएदार की है, इनको किराया देने वाले या रखने वाले घर यहाँ पर है बोल के उनको नहीं मालूम, इसलिए जो सो नुकसान होगा। लेकिन रहा सवाल जो आमदन बदमाशी को रख के यहाँ पर जो सो क्या करते, बारगाह सुफैन है बाजू, उसके भी गाड़ियाँ यहाँ पर ला के रख दे के चले आते, सुबह ला के रखे तो शाम शाम तक रख दे के चले आते, अब उसका कौन जिम्मेदार रहेगा, बोलिए शहबाज भाई। तो लिहाजा तो साहेब आज क्या करे, उनकी फैमिली भी जाते रह रही रस्ते में, जो तो गांजे वगैरह शराब ये वो पी ले के नाटका करते रहते, ठहरे हुए रहते गाड़ियाँ रख ले के, इसलिए ये हुआ। कितने गाड़ियाँ डैमेज हुए भाई नहीं मालूम, वो तो गिना नहीं मिली।